नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चौथी, और चौथी प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको बेटा ध्यान से समझना, अगर आपने बहुपद अच्छे से किया है तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अपनी पिछली प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, हीरोन के सूत्र। अब उसमें बेटा किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो मैं प्रश्न करवा दूंगा। बाकी मैंने एक एक प्रश्न अच्छे से करवाया है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करोगे। अब आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिएगा, मैंने आपको बहुपद बताया था, उसमें बताया कि एक चर राशियाँ होती है और एक क्या होती है बेटा, अचर राशियाँ। चर राशियों का मतलब क्या है, जिसका मान हमें निकालना पड़े, जैसे कि x, y, z, ये सारी a से लेकर z तक सारी क्या है बेटा, चर राशियाँ। और अचर राशियाँ कौन सी होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो, जैसे कि 2, 3, -1, 4, जो भी है, ये सारी क्या होती है बेटा, अचर राशियाँ। एक आपकी चर राशियाँ हैं, दूसरी क्या है बेटा, अचर राशियां हैं। अब देखिएगा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में भी मैंने बहुपद में बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो। बहुपद वाली पहली क्लास देख लेना आप, मैंने चर और अचर और रैखिक समीकरण के बारे में रैखिक बहुपद बताया था ना। अब सुनिएगा बेटा, रैखिक कौन सा होता है, रैखिक का मतलब है जिसकी उच्चतम घात कितनी हो बेटा, एक हो, वह क्या कहलाएगा। जैसे कि चर एक हो और उच्चतम घात एक हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा कि नहीं। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि रैखिक समीकरण में उपस्थित, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण में उपस्थित रैखिक समीकरण में उपस्थित चरों उपस्थित जिसकी घात एक हो, जिसकी घात क्या हो बेटा, एक हो, जिसकी घात एक हो, एक हो, वह चर पदों की संख्या, चर पदों की संख्या, चर पदों की संख्या दो हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। या अगर मैं परिभाषा दूसरी बात करूं तो ऐसे समीकरण, समीकरण जिनमें चर पदों की संख्या, चर पदों की संख्या दो हो, चर पदों की संख्या दो हो, वह चर पदों की उच्चतम घात, चर पदों की उच्चतम घात, चर पदों की उच्चतम घात एक हो, क्या कहलाएंगे बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझिएगा ध्यान से कि रैखिक समीकरण में उपस्थित, या ये आप ना भी लिखो तो आप लिखोगे समीकरण में उपस्थित जिसकी घात क्या हो, एक हो, और चर पदों की संख्या दो हो। या परिभाषा की बात करूं मैं, ऐसे समीकरण जिनमें चर पदों की संख्या दो हो और चर पदों की उच्चतम घात एक हो, क्या कहलाएगा बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, जैसे कि आपका समीकरण क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका कौन सा है बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कौन सा है बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब सुनिएगा, यहाँ x और y क्या है बेटा, चर राशियाँ, x और y क्या है, चर राशियाँ, x और y चर राशियाँ हैं,
एक्स और वाई चर राशियां हैं व ए बी और सी, ये बोलिएगा क्या होगा बेटा, एचर पद होंगे। क्या होंगे? एचर पद होंगे। इनका वास्तविक मान आएगा, जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस में 4 बराबर है 0। बेटा बताइएगा इसमें चर राशियाँ कितनी है? दो है। एक तो चर राशि कौन सी है? x, और एक कौन सी है बेटा? y। और इन दोनों की उच्चतम घात कितनी है बेटा? एक है। उच्चतम घात कितनी है? एक है। आपका a ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? a, b और c, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ देखिए चर राशि की उच्चतम घात कितनी है बेटा? एक है। चर राशि की उच्चतम घात कितनी है? एक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ x और y क्या है बेटा? चर राशियाँ a, b, c, इनका वास्तविक मान होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे समीकरण दूसरा लिखता हूँ मैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू है 0। जल्दी से बताइएगा ये कौन सा है भैया? चर राशियाँ कितनी है इसमें? दो है। एक चर राशि x है, दूसरी चर राशि y है, और a, b और c का ये मान है, वास्तविक संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को, यहाँ तक लिखना नहीं है बेटा, बस आपको ये समझना था थोड़ा सा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ 4.1 एक्सरसाइज। यहाँ तक थोड़ा आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा बता दिया है कि चर राशि कितनी होनी चाहिए? दो। कम से कम कितने पद भाई? दो पद तो होने चाहिए, और दोनों चर राशियाँ होनी चाहिए उसमें। एचर राशि हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दो चर होना चाहिए, दो चर वाले पद होने चाहिए, और उन चर पदों की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। एक घात हो तो रैखिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं? अब आगे ध्यान से समझिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, और आपको यहीं से करना है बेटा, यहीं से कॉपी में स्टार्ट करना है 4.1। और 4.1 का पहला प्रश्न देखिएगा, 4.1 का आपका पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दीजिए। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण लेना है, मतलब एक x लेनी है, दूसरी क्या लेनी है बेटा? y लेनी है। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, तो माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर है x रुपए। एक नोटबुक की कीमत क्या है बेटा? x रुपए। और एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत दो चर वाले रैखिक समीकरण में करना है, इसलिए यहाँ क्या मान लिया बेटा? y रुपए। एक नोटबुक की कीमत बेटा x रुपए है, और एक कलम की कीमत कितनी है बेटा? y रुपए है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं कि नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की क्या है बेटा? दुगनी। तो नोटबुक की कीमत बराबर है दो गुना कलम की कीमत। अब सुनिएगा बेटा, नोटबुक की कीमत कितनी थी? x बराबर दो गुना वाई, तो आपका आ गया x बराबर दो वाई। अब आप जानते हो x माइन, इसको इधर ले आऊँगा, माइनस का दो वाई बराबर जीरो। ये आपका कौन सा है बेटा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हमने किस में निरूपित कर दिया बेटा?
दो चर वाले रैखिक समीकरण में, क्योंकि आप जानते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये इसका मानक रूप कहलाता है, इसमें प्रदर्शित करना होता है, जीरो के इक्वल लेके आना होता है। इस दो वाई को इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। एक नोटबुक की कीमत एक्स रुपये है, एक कलम की कीमत वाई रुपये है। अब प्रश्न बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, मतलब एक्स बराबर क्या है, दो वाई, इस दो वाई को इधर ले गया तो प्लस से माइनस हो गया, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर जीरो। ये आपका क्या है बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको आप दो चर वाला रैखिक समीकरण भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा आप मुझे बताएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दो इसी पे डिपेंड करता है। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है, दूसरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है, और उसके बाद है ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, फिर आपको ए का बी का और सी का मान ज्ञात करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर 9.35, 3 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, 0.35555555, इसको है ना पुनरावृत्ति, इसका मैंने यहाँ 5 के ऊपर बार का मतलब होता है बेटा 5555555, अनंत बार आ रहा है ये, इसकी 5 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। अब समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे बार। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, मतलब मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में आप मेरे को बताइए, मानक रूप लिखेंगे तो जीरो के बराबर आएगा, तो दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर 9.35 का मानक रूप 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार बराबर क्या है, जीरो। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इनका मानक रूप लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, जीरो के बराबर आएगा है। सबसे पहले समीकरण को किसके इक्वल ले लिया बेटा, जीरो के इक्वल ले लिया। अब देखिएगा समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर ए का मान आपका आ गया 2, बी का मान देखिएगा कितना है, देखो ए का मान एक्स का तो एक्स ही रह गया, ए का मान 2 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और C का मान कितना आ गया, माइनस 9.35 पे बार। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, अगर बस यही बताना है। सबसे पहले तो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखना है, मतलब मानक रूप में लिखना है, फिर आपको A, B और C की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू है माइनस 9.35 पे बार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है, एक्स माइनस वाई बटे में 5 माइनस 10 बराबर जीरो। अब बेटा मानक रूप तो है ही, ये पहले ही लिखा हुआ है मानक रूप तो इनका। अब समीकरण की सीधी तुलना करनी है, समीकरण की तुलना किससे करनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर ए की वैल्यू देखो, एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया बेटा, एक। कितना हो गया, एक, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब किससे गुणा हो रहा है, एक से। और y उसके बाद b देखिएगा कितना है बेटा, माइनस का तो माइनस रह गया,
एक बटे में पाँच, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक हो गया, और बटे में कितना है पाँच, और सी देखिएगा बेटा कितना है माइनस का दस। तो आपकी ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या देखिएगा तीसरा, तीसरा प्रश्न है कि माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर है छः। आपको दिया गया है माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः। सबसे पहले तो बेटा अपना वही काम है, इसका मानक रूप लिखेंगे समीकरण का, समीकरण का मानक रूप माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस छः बराबर जीरो है। और फिर आप समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, से करने पर समीकरण की तुलना करेंगे तो ए का मान आपका आ गया बेटा माइनस दो, बी का मान आ गया तीन, और सी का मान आ गया माइनस छः। आपका ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया, वो अच्छा प्रश्न है बेटा, कोई डाउट भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसी का चौथा प्रश्न है। और आपका चौथा प्रश्न है बेटा x बराबर है तीन वाई, एक्स बराबर है तीन वाई। तो सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे समीकरण, समीकरण x बराबर तीन वाई का मानक रूप x प्लस एक्स बराबर तीन वाई का मानक रूप x माइनस तीन वाई बराबर जीरो, क्योंकि समीकरण को तो जीरो के इक्वल लेना है ना। अब देखिएगा अब आगे क्या करोगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो आपका ए आ गया बेटा, देखो ए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो एक आ गया, बी देखो कितना है माइनस तीन आ गया, और सी है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो बेटा कितना होगा जीरो। अगर नहीं है तो जीरो रखना, एक मत रख देना आप, ये भी आप ध्यान रखना, अगर है ही नहीं तो कितना रखोगे बेटा जीरो रखना। अब अगला देखना, इसी का पांचवा प्रश्न है, इसी का पांचवा प्रश्न है, दो एक्स बराबर है माइनस पांच वाई, बहुत आसान है भाई। समीकरण दो एक्स बराबर माइनस पांच वाई का मानक रूप दो एक्स प्लस पांच वाई बराबर जीरो। आप जानते हो बेटा इसको इधर ले आया तो माइनस से क्या हो गया प्लस। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है बेटा राइट हैंड साइड। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। अब सुनो भाई, यहाँ देखिएगा इसको भी मैं इधर लेके आया तो प्लस से माइनस हो गया, इसको इधर लेके आया तो माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। अब आगे देखिएगा समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, आपका ए आ गया दो, बी आ गया आपका पाँच, सी आपका आ गया जीरो। ए बी और सी की वैल्यू निकल गई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखना बेटा आपका छठा प्रश्न है, इसको मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ छठा प्रश्न। आपका छठा प्रश्न है कि तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो, मानक रूप तो लिखा ही हुआ है, तो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, ए का मान आ गया तीन, बी है ही नहीं बेटा इसमें, इसमें बी एब्सेंट है, तो कितना हो गया जीरो,
और सी का मान कितना हो गया 2। मतलब कि नहीं आता है तो वहाँ आप 0 लिख दीजिए बस, ठीक है। उसके बाद इसी का 7वां प्रश्न देखना बेटा, y माइनस दो बराबर 0। अब वही बात है भाई, समीकरण की तुलना किससे करोगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ए नहीं है इसमें, अब्सेंट है भाई, एक्स का गुणांक अब्सेंट है, तो ए 0 आ गया, बी 1 आ गया और सी कितना आ गया -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखना इसी का लास्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 5 बराबर है 2x, 5 बराबर कितना है बेटा 2x, 5 बराबर कितना है 2x। अब देखिएगा इसको मैं इधर ले जाऊं तो 0 बराबर क्या हो गया 2x माइनस 5, ये इसका क्या हो गया बेटा मानक रूप आ गया। अब समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है सी से, तो a आपका 2 है, b अब्सेंट है, y का गुणांक अब्सेंट है 0 और c कितना आ गया बेटा माइनस का 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हो गई है भाई, एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब सुनिएगा, सबसे पहले है x बराबर 3y। अब x बराबर 3y है तो बेटा समीकरण पहले तो मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप का मतलब समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसको 0 के बराबर रखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे तो ये समीकरण 0 के बराबर आ गया। फिर समीकरण की तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे, तो ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ देखो 2x माइनस 5y है, सबसे पहले 0 के बराबर किया तो इसको इधर ले गया तो माइनस से प्लस हो गया। फिर समीकरण की तुलना एक स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, ए बी और सी आ गया। फिर 5 बराबर 2x है, पहले 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ फिर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे 12 है, 0 के इक्वल ले गया, इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। अब ए 2 आ गया, बी 3 आ गया और सी आपका कितना आ गया माइनस का 9.35 बार। अब x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 है, x के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब कितना होगा 1, और y के आगे कुछ नहीं है बट माइनस का साइन है तो माइनस का ऊपर तो 1 आ गया, बटे में कितना आ गया 5, c आपका माइनस 10 है। अब यहाँ बात करें तो a माइनस 2 बी 3 हो गया और c देखिए कितना हो गया माइनस 6। यहाँ a आपका 3 है, b अब्सेंट है, y का गुणांक एब्सेंट है तो b आपका 0 हो गया, c 2 हो गया। अब यहाँ y माइनस 2 है तो a 0 है, y 1 हो गया, c आपका कितना हो गया माइनस 2। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर पदों की संख्या कितनी होगी 2। अब आप बताइएगा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या? अब किसी बच्चे को ना यहाँ अगर ये लिखना है, देखिएगा इसको, देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में करेंगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, 3x प्लस 0y प्लस 2, क्योंकि अब चर राशियां बेटा कितनी होगी इसमें 2 होगी, x और y, चर राशियां कितनी होगी बेटा इसमें 2 होगी। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब यहाँ अब्सेंट है ना, वो पद 0 लिख देना उसके आगे, x वाला अब्सेंट है तो x के आगे 0, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आ तो 2 ही जाएगा ना। तो प्रश्न में माना गया है कि ये सारे कितने हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ ये मत सोचना कि बेटा ये तो बहुपद हो गया। अब यहाँ है, अब दूसरा जैसे y माइनस 2 है तो इसको ऐसे लिखा गया है 0x माइनस y माइनस 2, ताकि किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ एक चर वाला है, क्योंकि अगर एक चर इसमें अब्सेंट है तो उसको 0 माना गया है, जैसे कि x वाला अब्सेंट है तो 0x हो गया, और y वाला अब्सेंट है तो 0y हो गया, लास्ट वाला पद अब्सेंट है तो उसमें 0 हो गया, वो 0 मान के चलना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे, कल हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। थैंक यू बेटा।